हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, अकॉर्डिंग टू द लीच एटलियर प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू अ सॉलिड एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल कॉज द। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लीच एटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, अभी जो हमारा लीच एटलियर प्रिंसिपल होता है, ये हमें क्या बोलता है कि कोई भी अगर दो स्टेट इक्विलिब्रियम में है, जैसे सॉलिड या लिक्विड है, कोई भी इक्विलिब्रियम में है, तो उन पे कुछ कंडीशन डिपेंड करती है जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले अगर हमें ये पता है इसमें क्या है, सॉलिड और लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सॉलिड और ये लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिंग हीट टू अ सॉलिड। एडिंग हीट मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हीट दे रही हूँ। अगर मैं हीट दे रही हूँ तो ये यहाँ से क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो अगर मैं हीट दे रही हूँ और हमें पता है जब हीट दूंगी, सॉलिड जब हीट होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब सॉलिड की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगी और लिक्विड की क्या होगी, हीटिंग पे इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं जब हीट दे रही हूँ तो क्या होगा, तो जो हमारा ये जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब टुवार्ड्स लिक्विड। तो अब हम अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस हमें क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर टू इंक्रीज। इक्विलिब्रियम अगर ये दोनों है और हीट कर रहे हैं तो क्या क्या होगा, टेम्परेचर टू इंक्रीज, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा बट लेकिन क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, टेम्परेचर टू डिक्रीज ये भी नहीं होगा, डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा। अमाउंट ऑफ लिक्विड टू डिक्रीज, या तो हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है राइट साइड, तो लिक्विड तो इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज तो होगा ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है। एंड डी ऑप्शन इज अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज, सॉलिड डिक्रीज हो रहा है तो यही तो है, जब सॉलिड डिक्रीज होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन है तभी तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट डायरेक्शन में टुवर्ड्स लिक्विड, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी विच इज अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। Hope you understood it well. Best of luck.